मैं जो है शुरुआत जो है पॉजिटिव नोट पर करना चाहूँगा। शोपियां ज़िले ने एक मॉडल एग्जांपल दूसरे ज़िलों के और दूसरे स्टेट्स के सामने रखा है। उम्र 45 से अबव वाले लोगों को यहाँ बड़े पैमाने पर कोविड का टीका लगाया गया है। 90% से ज़्यादा लोगों को जो है 97% लोगों को जो है यहाँ वैक्सीनेशन किया गया है और उसी का नतीजा जो है कोविड के जो केसेस आ रही है उसमें दिखाई दे रहा है। जो अभी तक सेकंड वेव में 4 डेथ्स ज़िले में हुई है उन सब केसेस में कोविड का इंजेक्शंस नहीं लगाया गया था। तो कहने का मकसद क्या है कि जो गलतफहमी या मिस इन्फॉर्मेशन कोविड वैक्सीनेशन रिलेटेड थी वो फैक्ट्स के बेसिस पर वह गलत थी, वो सही नहीं थी, ये शोपियां ज़िले ने दिखाया। और यहाँ की जो आवाम है उसको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बढ़ चढ़ करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट दिया और वैक्सीनेशन करने में मदद की। आज उसी के चलते जो है यहाँ केसेस कम हैं, हार्डली 27 केसेस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इवन हमारे पास 300 के करीब बेड है लेकिन 27 ही पेशेंट्स है। हम नहीं चाहते कि पेशेंट बढ़ना चाहिए लेकिन ये एक इंडिकेटर है कि अगर हमने वैक्सीनेशन किया, प्रॉपर प्रिकॉशंस रखे तो केसेस डेफिनेटली कंट्रोल में रहती है। यहाँ की जो आवाम ने, कम्युनिटी ने जो सपोर्ट किया है उसकी मैं बधाई देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड डेफिनेटली चिंता की बात है, यहाँ भी केसेस बढ़ रही है, दूसरे ज़िले में भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी बात मुश्किल नहीं कि जिसको हम टैकल नहीं कर सकते। शोपियां में जो है तकरीबन 300 के करीब बेड है जो ऑक्सीजन सपोर्टेड रहेंगे। डेफिनेटली जो है इवन केसेस की तादाद बढ़ भी जाती है तो आराम से उसको टैकल कर सकेंगे। आपके ज़रिए से पब्लिक को यही अपील है कि पैनिक मत हो जाए, पैनिक से समस्या का कोई हल नहीं निकलता है। समस्या का हल जो है समस्या को समझने में और उससे अनुसार प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेज़र लेने से ही होता है। बहुत सारे मेज़र्स है, आप सब जानते हैं। पिछले एक साल से जो है आप टीवी पर, रेडियो पर और अलग अलग जरिए से जो है सुनते आ रहे हैं, वही 3 मेज़र्स है। घर से बाहर जो है बहुत ही ज़रूरी है तो ही निकलना है, निकलते वक्त मास्क पहनना है, हाथ की सफाई रखनी है, सैनिटाइज़र या पानी का यूज़ करना है ताकि इन्फेक्शंस ना आ जाए हाथों पर, और जो है भीड़ भाड़ के एरिया से दूर रहना है। क्या सर, साथ बसाथ जो घर में जो रहते वक्त फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए, हेल्थ, अपनी सेहत ठीक रखने के लिए जो पैनिक फैलाने वाली न्यूज़ है, चैनल्स है या जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उससे दूर रहे। अगर आपको लगता है कि नहीं उससे आप डिस्टर्ब होते हैं तो डेफिनेटली वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हीं चीज़ों को आप देखें जिससे आपको जो है मेंटली आप स्टेबल रह सकते हैं और फिजिकली आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में ही कर सकते हैं। होममेड रेसिपीज़ के बारे में हमारे डॉक्टर वक्तन फोक्तन दूरदर्शन पर, रेडियोज़ पर, अलग अलग चैनलों पर बताते हैं। इवन घर में ही बहुत सारे फिजिकल वर्कआउट्स कर सकते हैं जिससे कि हम बॉडी की सेहत अच्छी रख सकते हैं, मेंटली ठीक रख सकते हैं। इम्यूनिटी अच्छा रखना ही एक कारगर उपाय है जिससे कि हम कोविड को हरा सकते हैं, साथ बसाथ वैक्सीनेशन। सर, डेली वेजर्स की अगर हम बात करते हैं, लगातार तो सालों से उनका काम ठप है, जो रोज़गार था कई लड़कों के जॉब्स भी चले गए, तो किस तरीके से, क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का उनका ख्याल है कि किस तरीके से उनको एकोमोडेट किया जाए या लॉकडाउन जो रिस्ट्रिक्शन है उनको ईज करके उन्हें काम करने का फिर से मौका दिया जाए? क्या है, बेसिकली बहुत सारे डिसीजंस लेते वक्त जो है आपको प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। इवन बहुत बार जो है कुछ एक लोगों को नुकसान होता है लेकिन बड़े पैमाने पर अगर उसका फ़ायदा होने जा रहा है तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना ना होना पड़े, साथ बसाथ जो बीमारी है जो कि बहुत ही हाईली कंटेमिनेस है, बहुत ही स्प्रेड होती है, उसको भी हम रोकथाम करने में कारगर साबित हो। सर, क्या रिलैक्सेशन मिलेगी जो बड़े दिन आ रहे हैं, ईद और शबे कदर पर? अभी के हिसाब से जो है जो एसेंशियल सर्विसेज है वो बदस्तूर जारी है। जो किराना माल की दुकानें हैं, ग्रोसरी की दुकानें हैं, किचन का जो सामान रहता है, मिल्क है, मेडिसिन है, वो सब जो है जारी है। कहीं अगर डिफिकल्टीज आ रही है तो SP साहब जो है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे ताकि लोगों को जो बड़ा दिन आने वाला है शब्बे कदर और उसके बाद ईद उल फितर,
उसमें जो है मुश्किल न चला जाए। शिमाली कश्मीर में पहली बार अब हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर कुपवारा में खुल चुका है अमेगन हेयर ट्रांसप्लांट से मुंसलिक मैक्स हेल्थ जोन, इकबाल मार्केट, हॉस्पिटल रोड, कुपवारा। मैक्स हेल्थ जोन, यहाँ आपके बालों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ यकम मई से तीसरा ट्रांसप्लांटेशन सेशन शुरू होने जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के बालों की परेशानी का इलाज कराने के लिए तशरीफ लाएं। मैक्स हेल्थ जोन हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, इकबाल मार्केट, कुपवारा। बुकिंग के लिए इन नंबरों पर राब्ता करें 9797038548 या 9797854691 या 9797566250।